किससे बात करूंगी, किससे? मैं रोने लगूंगी लड्डू। नहीं लड्डू मुझे नहीं ले जा रहा। तुम बताओ पहले, मुझे बताओ पहले, तब जाने दूंगी। तुम जा रहा है कहाँ जा रहा है सो बताओ। उधर कहाँ? तुम दिल्ली जाएगा तो खुआ पर रस्सी रहेगी लड्डू, बताओ जल्दी। कोई दीदी नहीं मानेगा। नहीं सॉरी दीदी, नहीं मानेगा मुझे। मानेगा। हाँ अच्छा, तुम कहाँ जा रहे हो सो बताओ ना मुझे लड्डू। नहीं आएगा, आप लोग को बता दूं लड्डू मुझे छोड़ के भागा जा रहा है, भागा जा रहा है। दिन भर टोई टोई करता है खुआ खुआ खुआ। अच्छा प्यार से एक बार खुआ बोल दो, प्यार से खुआ बोल दो, बोल दो ना खुआ। कुरकुरे देंगे जल्दी बोलो, पूछी कर लो क्या खाएगा। कुरकुरे सारे, इसको भी कुरकुरे दो, इसे भी कुरकुरे। सॉरी भैया को थैंक यू बोल दो आप। थैंक यू, वेलकम। लड्डू मेरा कहाँ जा रहा है सो बताओ पहले। लड्डू का दो पैंट है मेरे पास, और क्या है, जूता है लड्डू का मेरे पास। सारा खुआ पहनेगी लड्डू चल जाएगा तो, है ना? खुआ पहनेगी ना, आपका पैंट भी पहनेगी। गिर गया, जाओ छिछी लग गया, गंदा नहीं खाते हैं, गिरा हुआ सामान नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों बता दूं आप लोगों को, लड्डू जा रहा है अपने दादी के पास, यानी मेरे मम्मी के पास, माँ जी के पास। अरे मैं ने मैं मेरे बेटो जा चुको हूँ, यो बड़ी लड़ो हो, दिन भर परेशान करता था दिन भर। कौन आएगा मेरे पास है? नहीं आएगा मेरे पास, मेरे पास नहीं आएगा लड्डू, नहीं आएगा तुम मेरे पास। बंद हो गया। हाँ बंद हो गया, चल जाओ करने से, चल जाए करने से। तो गाइस लड्डू गया अपने घर, और एक खिलौना था वो भी चला गया, उसी के सहारे मन लगता था, वो घर में आता था, बोलते रहता था खुआ। यानी आप लोग को बता दूं, जो अदर स्टेट से होंगे, हमारे के यहाँ बुआ को खुआ बोला जाता है, तो कहीं से आता था, लटक जाएगा, खुआ क्या कर रही हो? मैं पूछूंगी, मैं किसकी खुआ हूँ? हमर खुआ हो। तो बहुत अच्छा लगता था, गया घर आता था तो रात में अच्छा खासा देर होकर जाता था, टाइम पास होता था उससे भी। और उसको देख जाते हुए देखकर सौरे रो रहा है, अभी टीवी चलाई हूँ तो देख रहा है। और मुझे भी पता नहीं, मन नहीं लगता अब, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, किसी काम में मन नहीं लग रहा है, नहीं तो अपने बर्थ में मन लग रहा है, कहीं से कोई मन नहीं लग रहा है। मैं बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में बहुत परेशान हो गई मैं। जैसे जैसे टाइम निकल रही है वैसे वैसे घबराहट मेरा बढ़ते जा रहा है। और आप लोग में से बहुत लोग का कमेंट आ रहा है कि पेंटर पकड़ाया नहीं, पेंटर कुछ बोला नहीं। तो मैं बहुत कोशिश की कि मैं अपने हसने का कातिल को पकड़वाऊँ, पकड़वाई भी किसी के सहारे, किसी के थ्रू। लोग आज कह देते हैं ना, हस्बैंड के जाने का गम नहीं है, हस्बैंड चला गया खुश रहती है, या मतलब कुछ भी लोग बातें बना देते हैं। तो वो मेरा दिल सहनता है कि मैं अपने हस्बैंड के जाने के बाद भी, मतलब मैं जब ससुराल गई थी, जो मेरा क्रियाक्रम हस्बैंड का हुआ था वो गांव से ससुराल से हुआ था। जब मैं ससुराल गई थी तो मुझे उस टाइम आंसू नहीं निकलता था, उस टाइम बस मन में ये लगता था उनका कातिल पकड़ा जाए और वो बताए कि मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा क्यों किया, मेरे हस्बैंड क्या किसी को बिगाड़े थे, आगे मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा हुआ क्यों। बस मेरे माइंड में ये चीज, रोना तो अब आता है, रोना तो जब मैं फ्री हो गई
तब रोना आता है, अब रोना आता है कि मैं कहाँ से करूँगी, मैं अपने बच्चे को खाना कहाँ से खिलाऊंगी, मैं अपने बच्चे को पढ़ाई कहाँ से करवाऊंगी। रोना तो अब आता है मुझे, उस टाइम बस यही लगता था वो पकड़ा जाए वो बता दे। तो गई, जो पकड़ा भी गया, जो कातिल था वो पकड़ा भी गया और पकड़ देने के बाद थाना भी गया। बट पता है ना आप लोग को, हर जगह पैसे की काम होती है। आज के डेट में लोग न्याय दिलवाना नहीं चाहते हैं, सच्चाई का साथ नहीं देते हैं। पता नहीं क्या हुआ, थाने वाले कुछ नहीं बुलवा पाए, कुछ नहीं बोला वो। इतना तक थाने वालों को पता है, वहां पे आस पास में लोग जो देखे थे सब उसी को साथ में देखे थे जो पकड़ा गया, उसका लोकेशन ट्रेस करवाई, सारा चीज उसका निकला। फिर भी मतलब केस भी मैं लड़ रही हूँ, अभी तक लड़ रही हूँ, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है। केस भी मैं अकेले देखी, एक रुपया का कहीं से सपोर्ट चुका मुझे कहीं से नहीं है, फिर भी मैं केस देख रही हूँ। और पेंटर जो है अभी वो जेल में है, अभी वो निकला नहीं है। मैं एक लेडी जात होके किसी से सहारा मांगती हूँ, तब मैं जाती हूँ कोर्ट, किसी से हेल्प मांगती हूँ तो कोर्ट जाती हूँ। मेरे साथ जाने वाला कोई इंसान नहीं है कि मैं जिसके साथ जा सकूँ। फिर भी मैं कोशिश बहुत की, बहुत कोशिश की कि मैं अपने हसन के कातिल को सजा दिलवाऊं, या वो बता दे मुझे कि किसके कहने पे किया था, किसके थ्रू मेरे हसबैंड को ऐसा किया। हर चीज की, बट सफलता नहीं हुआ। जानते हो ना, जिसका किस्मत जल जाता है, जिसके किस्मत में आग लग जाती है, तो वो किसी चीज में सफलता नहीं पाता है इंसान, किसी चीज में नहीं। मैं आज कुछ भी अच्छा करती हूँ ना, तो मेरे साथ बुरा होता है, क्योंकि मेरा किस्मत ही जला हुआ है। और इतना भी मैं कन्फर्म हूँ कि जो भी लोग करवाया, पेंटर के थ्रू करवाया, कोई भी था, लेकिन बहुत निजी आदमी है, बहुत क्लोज आदमी है, जो हमारे बारे में हर चीज जानता है। बट मैं भगवान नहीं हूँ कि मैं नहीं जानती हूँ कि मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा। मेरे हस्बैंड के पहले मेरे साथ घटना करवाया गया, मेरे साथ शायद नवंबर में मेरे साथ हुआ था घटना। मेरा भी सेम सीन था, मुझे भी मानना चाहता था लोग। बट मैं स्टोरी दूसरे शेयर करूंगी, मेरा स्टोरी भी बहुत दर्दनायक है। बट मैं बदकिस्मत थी, मैं बच गई उस टाइम, मुझे कुछ नहीं हुआ। और जो किस्मत वाले थे वो छोड़कर चले गए। आज मैं कहते हो ना आप लोग, आप मत रो, आपको देखकर बच्चे रोएगा। एक देख सकते हो, सिर में इतना पेन रहता है मेरा, इतना पेन रहता है। अगर चश्मे नहीं लगाती हूँ तो दूर के लोग दिखाई नहीं देते, क्यों रो रो कर आग में बैठा रही। दुनिया को लगता है कि मेरे सामने आती, मेरे सामने रोती, मेरे सामने गिड़गिड़ाती, वो चीज नहीं होता है मेरे से। मैं दुनिया को ऐसे सोचती हूँ, उसको खुश रह के दिखाऊं। गम तो मेरा है ना, हर किसी को मैं अपने गम में क्यों परेशान करूं, मुझे ऐसा फील होता है। बट लोगों को लगता है कि रोती नहीं है, गाती नहीं है। जब मैं अपने हस्बैंड का बात बोलती हूँ तो मेरा कलेजा हिल जाता है, दर्द होता है, यहाँ से दर्द होता है। मुझे ये चीज समझ में नहीं आता है कि मैं किसी चीज में सफलता क्यों नहीं पाती हूँ। आज यकीन करोगे, यूट्यूब से मैं 2 साल से हूँ। हस्बैंड के जाने के बाद मैं जैसे अपने जैसे लेडीज को देखी, यूट्यूब पे देखती रहती थी वीडियो, तो मैं देखी कि हमारे जैसे लेडीज यहाँ काम कर रही हैं, 2 पैसे कमा रही हैं। फिर मैं उनको देख कर मैं भी आई कि हो सकता है मैं भी यहाँ से 2 पैसे कमाऊंगी, मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगी, खाना खिलाऊंगी, कपड़ा पहनाऊंगी। बट ये सोच मेरा गलत था। मैं 2 साल होने वाला है मैं इस पे काम कर रही हूँ, बट अभी तक मैं 2 रुपये भी नहीं पाई हूँ इसमें। तो हर चीज किस्मत वाले के साथ ही होता है, हमारे जैसे बदकिस्मत लोग के साथ कुछ नहीं होता है। बहुत छोटी सी उम्र में बहुत झेल रही हूँ, बहुत ज़्यादा झेल रही हूँ।
भगवान क्यों झिला रहे हैं, क्या बिगाड़ी, किसको बिगाड़ी, ये मुझे नहीं पता। मैं अपने जानते हुए अपनी करती हूँ, क्यों झूठ बोलूँ, अपनी करती हूँ। अब हिम्मत ही नहीं होता है मेरा कुछ करने का। यही लगता है कि जिसके लिए मैं इतना की, आज सारा चीज मेरा विनाश हो गया, सत्यानाश हो गया, किसके लिए करूँ। अब नहीं होता मेरे से ज़्यादा नहीं। अब तो मेरा बस ये दिल कहता है जो जैसा करता है उसके साथ वैसा करो, पता नहीं क्यों। अब यही लगता है मुझे कि अच्छा बनने का, नाटक करने का, अच्छा बन के कुछ हासिल नहीं होना है। जो जैसा आपके साथ करता है वैसा ही सामना करो। तो बस सच्चाई है, मैं आपको ऐसे ही करती हूँ। अब मुझसे ज़्यादा नहीं होता है कि मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किसी का कर रही हूँ, या दो बात मुझे सुना दे रहा है तो मैं उसका सुन ले रही हूँ। ये सब चीज़ अब मेरे अंदर नहीं रहा। मैं अपने आप को तारीफ नहीं कर रही हूँ, बट ये चीज़ है गाइस, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। जो कहा जाता है ना, भगवान क्यों दिया था हमको मेरे लाइफ में, जब मेरे साथ रखना ही नहीं था, मेरी खुशी आप लोग से बर्दाश्त नहीं हुए, क्यों मेरे लाइफ में भेजे थे। वैसे यही सब देखती हूँ, यही सब देख के अपना बीता हुआ बात याद करती हूँ, घुटती हूँ। जितना देर काम में रहती हूँ उतना देर माइंड फ्री रहता है मेरा, फिर जैसे ही काम से फ्री होंगी माइंड यही सब चीज पे चला जाता है। देखो कहना और करना बहुत ज़्यादा टफ है। कहने के लिए मैं भी किसी को हौसला देती हूँ, बट उस पर जो बीतता है ना वो सामना करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। आप लोग भी मुझे इतना हिम्मत दे रहे हो, मैं कोशिश भी करती हूँ, बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ, हंसते रहती हूँ, बोलती रहती हूँ, बट माइंड जो फ्रेश कहा जाता है ना वो मेरा फ्रेश नहीं होता। मेरे माइंड में हजार टेंशन है। अपनी लाइफ होती तो शायद कुछ नहीं था, बट हमारे लाइफ से दो चूजा है, दो बच्चा है, उनके लिए मुझे बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द जो कहा जाता है। कैसे मैं क्या करूं कि मेरा बच्चा को पूरा हो, दर्द मुझे यही है। मेरा बच्चा किसी के सामने हाथ ना फैलाए, मेरा बच्चा किसी को देख के तरसे ना, बस मुझे यही रहता है। इससे ज़्यादा मेरे लाइफ में कुछ नहीं। मेरा स्टोरी बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। मैं पूरे दिन भी अगर आप लोग से बात करूँ ना तो ख़त्म नहीं होगी। और गाइस ये भी विश्वास करना, जो भी करती हूँ ना आप लोग से शेयर करती हूँ। अनदर तीसरा पर्सन मेरे पास कोई नहीं है कि जिससे मैं शेयर कर सकती हूँ। अब बच्चे को देखें, बच्चे मेरे छोटे छोटे हैं, और बाकी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं है। आप लोग हो फैमिली, आप लोग जो कमेंट करते हो तो मैं सोचती हूँ रिप्लाई हर किसी का देना इम्पॉसिबल होता है, हर किसी का रिप्लाई दो फिर वो देखे ना देखे, तो मैं सोची छोटा वीडियो बना देती हूँ जिससे आप लोग को भी पता चल जाए, हर किसी को पता चल जाए। और यकीन करना मैं कोई गढ़ंती बात नहीं बोलती हूँ, कोई से कोई बात ऐसा मेरा झूठा नहीं निकलेगा। मैं जो मेरे रियल लाइफ में हो रहा है वही मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे लगता है कि मुझे बता देना चाहिए, एक वीडियो बना के बता देना चाहिए मुझे, बस यही करती हूँ। तो चलिए मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ क्योंकि बहुत लॉन्ग हो जाएगा, है ना। और पता ही चल गया कि जो मर्डर किया, जो मारा वो पकड़ा गया है, और बट कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ मुझे हासिल नहीं हुआ, बताया नहीं। बस इतना सा दिल का तसल्ली है कि मेरे हस्बैंड मेरे हस्बैंड नहीं है तो हम लोग छछन रहे हैं उनके बिना, लेकिन तुम भी जेल में रहोगे तो तुम्हारा फैमिली भी तुम्हारे बिना छछनेगा। बुरा क्यों हो तो परिणाम मिलना चाहिए, अगर गॉड का मर्जी होगा तो वैसा ही परिणाम मिले जैसा मेरे हस्बैंड के साथ तुम किए बिना। मत पैसे के पीछे किसी का जान ले लेना राइट है क्या? कोई पैसे दे देगा, कहेगा उसको मार दो, उसे कर दो, तो ये राइट है क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। किसी का जिंदगी कितना कष्ट से एक जिंदगी आता है यार, कितना कष्ट से इंसान एक मनुष्य जिंदगी पाता है, उसे बर्बाद एक सेकंड में कर देना। चलिए गाइस मेरा तो स्टोरी चलते रहेगा, मेरा
आँख और सिर में बहुत दर्द होता है।